नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत आपका बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने गोल्डन कलेक्शन चैनल में। तो दोस्तों, आज 21 अप्रैल है, मॉर्निंग के 8:30 बजे और हम श्रीनगर जा रहे हैं, कश्मीर जा रहे हैं। तो मैं आपको दिखाते जाऊँगा कैसे कैसे टूरिस्ट प्लेसेस, कौन कौन सी जगह देखने वाली होती है, वो भी आपको दिखाऊंगा, वहाँ पर एक्सप्लोर करूँगा। तो चलते हैं। तो जम्मू से जो श्रीनगर का जो डिस्टेंस है वो 259 किलोमीटर है पंचतीर्थी से। अभी हम पंचतीर्थी रोड से निकल चुके हैं, तो अभी नगरोटा आने वाला है, वहाँ पे टोल प्लाजा भी आएगा, वो भी दिखाता हूँ आपको। तो रोड जो है यहाँ अभी तो चकाचक दिख रही है आपको, आगे पता चलेगा सही आगे रोड का क्या है। तो रोड नगरोटा वाली रोड पर भी हम फोर पे बना बन चुका है, टोल प्लाजा आ चुके। तो यहाँ बताता हूँ कितने पैसे लगेंगे। दोस्तों 310 रुपये चार्जेस लगे हैं एक साइड के सिंगल जर्नी के। दोस्तों ये पहली टनल आ गई है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया वेलकम दी माता वैष्णो देवी आपकी यात्रा। टनल बनाने से दोस्तों काफ़ी रास्ता कम हुआ है, तो पहले काफ़ी टाइम लग जाता था, अब टनल बनने से काफ़ी टाइम बचता है। इसके बाद अभी दूसरी टनल भी आने वाली है, तो दूसरी टनल भी आ गई। दूसरी टनल आ रही है, तीसरी टनल आ गई आपकी। तीसरे के बाद चौथी भी आने वाली है। हाँ, ये 200 मीटर की है। रोड एकदम बढ़िया बिक सकते हैं। दोस्तों उधमपुर निकल चुका है, मतलब कि 1 घंटे में उधमपुर हम पहुंच गए हैं, मतलब कि 75 किलोमीटर क्रॉस हो गया। तो आगे का जो सफ़र है काफ़ी रोड थोड़ी ख़राब रहती है, बट काफ़ी देर के बाद आने का लग रहा है रोड ठीक है काफ़ी, तो आगे पता चलेगा कि रोड अच्छी है कैसी है। तो यहाँ से काफ़ी काम चलता रहता है रोड का यहाँ पे, तो अभी तक तो ठीक लग रही है रोड, फर्स्ट क्लास लग रही है। आगे आगे पता चलेगा रोड का क्या हाल होता है, काफ़ी डेवलपमेंट हुई है यहाँ पे तो लग रहा है। तो अच्छा लग रहा है रोड का, काफ़ी हद तक काम हो रहा है यहाँ पे, नहीं तो यहाँ पे कंकरा ही पड़ा रहता था हर जब आते थे। काफ़ी सारी नीचे वाली रोड अभी नई नई बनी है, देख सकते हैं। हाँ, क्योंकि उधमपुर के आगे रोड हमेशा ख़राब रहती थी, काफ़ी काम चल रहा था, तो अभी देखते हैं यहाँ रोड ठीक लग रही है, वो आगे पता चलेगा सही।
क्योंकि उधमपुर के आगे काफ़ी टाइम लग जाता था आगे पट्टी तक पहुँचने में। देखो आगे कैसा चलता है, काफ़ी अच्छा काम हुआ है यहाँ पे। देखते हैं गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा रोड मिनिस्टर ने काफ़ी ज़्यादा काम करवाया हुआ है यहाँ पे। तो जो पहले आ चुके हैं उनको पता है कि कैसी रोड होती है यहाँ पे। पिछली बारी भी आए थे तो काफ़ी रोड का काम चल रहा था, काफ़ी हद तक रोड का काम कंप्लीट हुआ लग रहा है मुझे। ये नया पेट्रोल पम्प भी बना है यहाँ पे, खुला है नया पेट्रोल पम्प खुला है। यहाँ तो पेट्रोल पम्प पे नहीं मिलता था इस रोड में। और मुझे लगता है 24 तारीख को ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी जम्मू में आना है टनल का उद्घाटन के लिए, तो उस वजह से भी काम जल्दी जल्दी हुआ है मुझे लग रहा है। दोस्तों यहाँ से थोड़ा और रोड का काम बकाया रह चुका है, यहाँ पर रोड का काम चल रहा है। तो ऐसी रोड पूरी बने रहती थी बट फिर भी काफ़ी काम हुआ है। तो काफ़ी देख सकते हैं पहाड़ों को काटा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, रोड्स बन रही है, रोड द्वारा ठीक आ गई है। तो जो नीचे ये रास्ता जाता है, जो पीछे का रास्ता जो जा रहा है ये खुद के लिए पटनीटॉप के लिए जा रहा है, और ये ऊपर जो रास्ता जा रहा है नासी टनल के लिए जा रहा है। तो दोस्तों रोड काफ़ी अच्छी थी, कह रहा हूँ 10-15% का काम रह गया है उधमपुर से नासी टनल का, अदरवाइज रोड ठीक हो गई, काफ़ी अच्छी हो गई। ऐसे तो काफ़ी रोड ख़राब रहती थी। तो अभी ये नीचे जो रोड देख रहे हो ना दोस्तों, अभी नासी ये पट्टीटॉप ले जाता नीचे रास्ता, और ऊपर जो रास्ता ये नासी टनल के लिए जा रहा है। तो टनल आने वाली है, जो सामने रोड दिख रही है खुद के लिए जा रही है। तो अब ये व्यू देख सकते हैं आप, आपका यहाँ पे टोल प्लाजा आ गया यहाँ पे। तो देखते कितने पैसे लगे। तो ये लगा है 150 रुपये लगा है। तो आप देख सकते हैं नासी टनल, चेन्नई नासी टनल, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। काफी लंबे टनल से बाहर आ गए हम, देख सकते हो। तो
अभी हम 10:30 बज गए और हम अभी पेड़े पहुंचे हुए हैं। तो ये मम्मा बैठी हुई है, तो यहाँ पे हम खाना खाने के लिए रुके हुए हैं। राजमा चावल, एक राजमा चावल आ रहे हैं। क्या खा रहे हो? दो क्यों? राजमा चावल है पेड़े के स्पेशल। ये वाले आगे देखते कैसा टेस्ट है। ये वो आप देख सकते घी काफी बड़ा है चावलों में, पर ठीक है टेस्ट है। तो यहाँ पे खजूरिया का ढाबा है, वहाँ पे खाना ठीक है चावल। तो राजमा चावल चटनी खा के मज़ा आ गया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने खाए खजूरिया वैष्णो ढाबा पेड़े। तो इधर अच्छा लगा खाना मेरे को, अगर आप आते तो यहीं पे खाइएगा, मज़ा आ गया। तो अभी 10:50 हुए, भी हम खाना खा के पेड़े से निकले हैं। तो आगे मैं बताता हूँ कितना टाइम लगेगा, कैसे लगेगा, आपको सब बताता हूँ। यहाँ पर वाली रोड पे काफ़ी दो साल पहले अभी जब आए थे तब काफ़ी यहाँ पे काम चल रहा था, अब काफ़ी काम हद तक हो गया। तो इधर ऊपर से मार्केट स्टार्ट हो जाती है राम बन की। जम्मू कश्मीर की सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ बातियाँ देख सकते हैं, साथ में नीचा देख सकते हैं चिनाब रिवर, ब्यूटीफुल ग्रीन चिनाब रिवर देख सकते हैं। यहाँ का जो मौसम है वो गर्म ही लग, गर्म तो है, भी गर्मी तो है ही है। दोस्तों इन्होंने टीन लगाए हुए, लैंड स्लाइडिंग हो रही है यहाँ पे, मिट्टी मिट्टी उठ रही है अभी, डर लग रहा बहुत। बहुत ही रिस्की जगह यहाँ पे, एरी जगह ये रोड है, ऊपर बहुत रिस्क है। जय माता दी। तो दोस्तों 12 बज गए, ठंडा मौसम लग गया है, आपको देखने को मिलेगी ठंडी ठंडी हवा, फ्रेश एयर का मज़ा आएगा। ठंड लग रही है, हमने तो मैंने तो हाफ बाजू डाली हुई है, पर अभी यहाँ ठंड लग रही है, ठंडी ठंडी हवा लग रही है गाड़ी में। तो 12:30 बज चुके हैं और अभी मौसम ठंडा ठंडा है, हमने स्वेटर डाले हुए हैं यहाँ पे भी, और हम बनिहाल पहुँच चुके हैं। लोग स्वेटर जैकेट डाल के घूम रहे हो रहा हूँ, हाँ बाजू में आ गया। रोड खुबड़ खाबड़ है, गड्ढे है। दोस्तों मौसम बहुत प्यारा है यहाँ पे, अभी बजे 12:50 हुए, ऐसा लग रहा है शाम पड़ गई है। पहाड़ों पर अभी से तक बर्फ भी पड़ी हुई है और काफ़ी सारे बादल दिख रहे हैं आप, क्लाउड्स, बहुत ठंडा मौसम। दोस्तों 1 बज गए और यहाँ गर्मियाँ पड़ना शुरू हो गई है, मौसम बिल्कुल ठंडा हो गया, देख सकते हैं बारिश वाला माहौल हो गया यहाँ पे। तो पहाड़ों पे बर्फ है, ठंडा मौसम हो गया। दोस्तों 1:10 हो गए और हम जवान टनल पहुंच चुके हैं। तो ये टनल आप देख सकते हैं,
इसी टाइम में दोस्तों तो ये हिंदुस्तान की सबसे लंबी टनल थी। अब तो नवी बन गई बढ़िया, पहले बहुत बड़ी सबसे बड़ी थी पुराना टाइम। दोस्तों डेढ़ किलोमीटर लंबी सुरंग है। ये क्या भाई, ये तो धुंध पड़ गई बिल्कुल यहाँ पे। ये तो ऐसा लग रहा है कि ये जगदम धुंध पड़ गई हमें। दोस्तों टनल से बाहर निकलने के बाद ही चटका लग गया हमको, यहाँ तो धुंध पड़ गई, गाड़ी शीशा शीशा में आगे दिख नहीं रहा, बिल्कुल धुंध पड़ गई है। जगदम मौसम बिल्कुल चेंज हो गया श्रीनगर का, टनल चेंज मतलब कि 20 मीटर के बाद दिख नहीं रहा है कि रोड पे कि गाड़ी का पता नहीं चल रहा है कि इतनी धुंध पड़ गई है। तो अब जाके थोड़ी फॉग कम हुई है, पहले तो बड़ी ज्यादा फॉग थी, दिख कुछ नहीं रहा था शाम को। रोड इतनी बढ़िया नहीं, मैं कह रहा था छोटे छोटे गड्ढे हैं रोड पे। मौसम ठंडा हो गया है, चिल हो गया है मौसम। तो भी आर्मी की कॉन्वे आई थी तो हम यहाँ रुके हुए थे, तो ठंड हो गई है बड़ी ज्यादा। आप देख सकते हैं अप्रैल का मौसम है, बाकी यहाँ जम्मू में गर्मी है या ठंड है, ठंड लग रही है बड़ी। हरियाली है ना इसलिए ठंड है, यहाँ पे ग्रीनरी है। यहाँ काजीकुंड में आए हैं डाबी डाबे में, तो यहाँ चाय पकौड़े सारे हैं, बहुत हो रही है यहाँ पे, ठंड भी बड़ी हो गई है। ठंड का कैसा मौसम है? मौसम तो बहुत अच्छा है, हमने ये सोच के नहीं आए थे यहाँ इतनी ठंड होगी, लेकिन हमने नहीं सोचा ये इतनी ठंड होगी, लेकिन जब भी आप आएंगे स्वेटर अपने साथ लेके आना, स्वेटर और शाल लेके आना, ये मैं कहती हूँ आपसे, ये आगे से गलती ना करें, जैसे हमने गलती की है आप गलती ना करें। तो देखते हैं बारिश हो रही है, अप्रैल का मौसम है, बारिश हो रही है। तो यहाँ पे ठंड बहुत है, तो हम आए हुए थे तो यहाँ पे हमने शॉल ले लिए, यहाँ पे तो 200-150 रुपये मांग रहे थे, तो हमने 100 रुपये ही दिया, एक शॉल करके दो शॉल लिए घूमर की मैंने। तो ठंड बड़ी हो गई है इधर कश्मीर में, टोल प्लाजा पे आ चुके हैं, तो यहाँ टोल प्लाजा में पैसे लिए जा रहे हैं आगे जाने के लिए, तो बताता हूँ कितने पैसे लगेंगे यहाँ पे। तो दोस्तों ये पर्ची आ गई टोल प्लाजा की, तो यहाँ पे देखिए कितने चार्ज कर रहे हैं, 230 रुपये लगे हैं, लिखा हुआ टाइप ऑफ जर्नी डबल यूजर फी, तो बहुत ज़्यादा खर्चा चार्ज लग रहे हैं। दोस्तों हम कश्मीर वैली पहुँच चुके हैं, तो आप बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं। पहाड़ी आप देख रहे हो, उसके बादल भी देख रहे हैं आप, कश्मीर का नज़ारा है। ठंडी ठंडी वादियाँ, ठंडी ठंडी बाह के अंदर रास्ता आता है। दोस्तों
इसको ये झेलम भी वरना दिख सकते पानी ये बहुत शांत है, ठंडी ठंडी आवाज़ चल रही है। ये बैठने की जगह बनाई हुई है यहाँ पे, आर्मी का कैंप है, ट्रांसिट कैंप। तो फाइनली 8.5 घंटे के अंदर हम कश्मीर पहुंच चुके हैं। तो हम कश्मीर वैली में अभी देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने गाड़ी लगाई है, तो होटल देखने के डैडी हमने होटल ले ली यहाँ पे, होटल कोलिस के नाम से होटल है, होटल कोलिस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो ऐसे 3,000 रुपये बोल रहे थे पर डे का, हमने पापा ने 2,000 रुपये में बात करके किया। तो ज़्यादा लोग ऑनलाइन बुकिंग कर रहे हैं, यानी 2,500 रुपये में ज़्यादा लोग ऑनलाइन बुकिंग करवा रहे। हमने रूम ले लिए, ठंड लग रही है, हम कंबल की वजह बढ़ गए हुए हैं। तो क्या बताओ जी, जब भी हम गाड़ी से बाहर निकले हैं इतनी ठंड थी वैसे देखने वाली ठंड। अप्रैल का महीना था, मम्मा ने होता गर्मी होगी, अप्रैल का महीना था, हमें पता नहीं था इतनी ठंड होगी, लेकिन ठंड बहुत है अप्रैल महीने, ठंड बहुत है। मैंने पूछा उनसे, होटल वाले से पूछा, ठंड क्यों इतनी ज्यादा, कहता है जी बरखा के कारण ठंड हुई है इसलिए, लेकिन यहाँ पे गर्मी थी लेकिन बरखा के कारण ठंड हुई है। इसलिए आप भी आएंगे तब भी, जब भी आएंगे ना, एक या दो स्वेटर जरूरी साथ में लाएं। ठीक है, ओके। अभी हमने लंच कर लिया यहाँ पे कृष्णा वैष्णो ढाबा में। तो यहाँ पे होटल हमारा यहीं पे था, सामने बैठे अपोजिट साइड में था। तो यहीं पे आपने वेज खाना खाना, तो आपने यहीं पे आके खाना है, कृष्णा वेज दुर्गा वैष्णो भोजनालय में सबसे अच्छा खाना, बेस्ट खाना यहाँ पे हमारा दोस्तों होटल कोलिस, और ये है कृष्णा वैष्णो भोजनालय के अपोजिट ही। तो यहीं पे आपने वेज खाना खाना, तो यहीं पे खा सकते हैं। तो यहाँ पे इतनी ठंड थी, तो हमने जैकेट ले लिया, देख रहे थे टोपी वोपी डाल लिया। तो यहाँ अप्रैल का महीना तब भी इतनी ठंड लग रही है, तो आप बताओ कैसा लग रहा है, तो बताओ कैसा लग रहा है। इधर हम आए विजय डल लेक का, देख सकते डल लेक है, हाँ शिकारे का में 300 रुपये है, क्या घुमाएगी आराम से। लेकिन इतनी ठंड है, बट ठंड भी ना ये कल शुरू हुई है, मतलब आज बारिश की वजह से ठंड हो गई है। हाँ बारिश पड़ी है, इतनी ठंड हो गई है, बड़ा मजा भी आ रहा है और ठंड भी बहुत लग रही है। गर्मी जम्मू में बड़ी गर्मी है और यहाँ बड़ी ठंड है, तो अभी भी वो ठंड है। हम रूम में आ गए, तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा। तो ब्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, जो जल्द मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय फ्रेंड्स।